अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक हैं, हैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। तो जी, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट स्टाइल से एक रेसिपी, और बहुत इजी है, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी, मैं बना रही थी चिकन जिंजर, और ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन को सोते कर लिया है बटर में, और इसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और थोड़ा नहीं लेना, ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम इसी में इसको करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दी है, और मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है थोड़ा सा। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें पानी ऐड नहीं करना, इसी के अंदर ही हम इसको फ्राई करेंगे। साथ में मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको बस हमने मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसेस यूज़ नहीं किए हैं। लाइट सा इसका फ्लेवर है, बहुत मज़े का ये बनता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर काजू और बादाम इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ किसी किस्म की भी, ना ही क्रश वाली ना दूसरी, तो इसलिए हमने ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर ही यूज़ किया है। और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आप इस तरह इसको ट्राई कीजिएगा बना के, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा 2 से 3 सिप के करीब पानी ऐड किया, ताकि जो मैंने ग्रेवी ऐड की इसमें काजू की, वो अच्छे से, जो पेस्ट ऐड किया वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें, अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और इसके साथ बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है। तो जी, यहाँ पे मैं इसमें अब क्रीम ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी क्रीम अवेलेबल है इजी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके एंड पे मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी, और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि क्रीम भी अच्छे से सेट हो जाए। और जी, यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बिल्कुल एंड पे मैं टोमेटो स्लाइसेस रख दूँगी, और साथ में ग्रीन चिली, और इसमें जिंजर ऐड कर देंगे इस शेप में कटिंग। और बस इसको मैंने ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो जो टोमेटोज़ इसमें मैंने ऐड किए हैं वो अपना पानी भी छोड़ देंगे और बिल्कुल ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी, हमारी फाइनल लुक हो गई है, और इसमें मैंने बटर भी ऐड कर दिया है। आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसी लगी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और जो तो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।